press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హైదరాబాద్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ ఏటి నరసింహ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ హుకుమత్ ఏక్ ఫిర్ ఏక్ నయా డ్రామా స్టార్ట్ కర్ రహా జో ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ హై ఇత్నే దిన్ పూరే జితనే భీ హై పూరే లోగోకు ఫ్రీ మే మెడిసిన్ రహతో ట్రీట్మెంట్ దితే ఆజ్ ఏ NIMS के टाइम में इसको भी डेवलप करेंगे ये डेवलप करना बोलो तो ऑटोनमस करना बोल के एक सर्वर इश्यू करें ऑटोनमस अगर करने के बाद में ये हालत होगा आज जो आदमी फ्री में ट्रीटमेंट ले रहा वो आदमी पैसे दे के लेना पड़ता अगर आउट कॉपी भी चेक करें तो NIMS में 100 रुपये नहीं तो 500 रुपये देना एक सर्जरी के लिए 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक NIMS हॉस्पिटल में हो रहा जो हटाना मास है अगर इनो ये एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल अगर हटाना मास हो गया तो फ्री का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं रहेगा वही चार्जेस एक एग्जांपल बोलना बोले तो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के सर का एमएनजे हॉस्पिटल को करना चाहे ये कम्प्लीटली फ्री एच के फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ये एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल तो तेलंगाना नहीं चार स्टेट से भी मांग को आ रहे इसीलिए हम हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं इमिडिएटली वो विड्रा कर लिए वो एमएनजे हॉस्पिटल को डेवलप करिए हावर होना बोलो तो ज़रूरत है तो हावर एक हॉस्पिटल खोल के उसको हटाना मस करिए हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एक नहीं तो दो करिए मगर ये हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल को अगर ऑटोनमस करने का जो आप लोग सर्कुलर करें वो विड्रा नहीं करेगा 21 तारीख को जो 7 लेफ्ट पार्टी से हैदराबाद का वो डीएमए आपसे सामने बड़े से बड़ा धरना करेंगे 27 को ये लेफ्ट पार्टी से हटके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिलके एक राउंड टेबल मीटिंग रखने के बाद में उसमें अगर जब तक हुकूमत अगर विड्रा नहीं कर लिए हम जबरदस्त एजिटेशन करेंगे कैंसर हॉस्पिटल जो प्रेजेंट है उससे डेवलपमेंट होना जो ऑटोनमस का जो आप लोग आप कोशिश कर रहे हैं उसको विड्रा करना बोल के हम तेलंगाना सरकार को डिमांड करना चाह रहे हैं हैदराबाद एमएनजे गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल को ऑटोनमस करने के लिए जो टीआरएस सरकार डिसीशन लिया वो ऑटोनमस NIMS तरह NIMS जैसा ऑटोनमस करने का जो कोशिश है उससे जो गरीब लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलता फ्री में अभी वो कास्टली होने वाला है NIMS में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लाखों रुपए वसूल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जैसा नहीं चल रहा अभी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी ऑटोनमस के नाम पे पूरा ज़्यादा पैसा खर्च करने तरह वो जा रहे इसलिए उसके खिलाफ अभी जो सिटी में लेफ्ट पार्टी से CPM CPI SVCI न्यू CPM न्यू डेमोक्रेसी हम सब लोग एतराज कर रहे हैं जो उसको विड्रा करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ डेवलप करना वहाँ पे पोस्ट को फिलअप करना वहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ाना उसके लिए गवर्नमेंट कोशिश करना वो छोड़ के मैं पूरा ऑटोनमस करता हूँ प्राइवेटाइज करता हूँ बोले तो उसके हम सहमत नहीं है और ये कौनसल हॉस्पिटल में हर साल 12,000 लोगों को ट्रीटमेंट हो रहा पुरानी पेशेंट्स 1 लाख के ऊपर वहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर इतना बड़ा हॉस्पिटल को आप अटर्म्स करें तो गरीब लोग आम पेशेंट्स कहाँ चले जाते कहाँ से ट्रीटमेंट लेते इसलिए गवर्नमेंट सोचना है वो अटर्म करने का जो कोशिश चल रहा उसके खिलाफ हम आंदोलन करने के लिए तैयार हो आपका मेन डिमांड क्या है इसमें वो आपको जो ऑटोनमस का एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल ऑटोनमस करने का जो फैसला है उसको वापस लेना नहीं तो आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इसका कुछ जियो वगैरह कुछ जो है ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए दिया 9 तारीख को जी उसके ऊपर वो फैसले अभी गवर्नमेंट हम जो नया पोस्ट रिक्रूट करना है और पूरा ऑटोनमस करना चाह रहे हैं तो रिक्रूटमेंट करो PSPSC के तरफ से रिक्रूटमेंट करो जो बजट ज़रूरत है वो बजट दे दो बट वो ऑटोनमस करने का जो कोशिश कर रहा वो गलत है और ये इंस्टीट्यूट MNJ कैंसर हॉस्पिटल ये शेड्यूल 10 में है
शेड्यूल 10 बोले तो आंध्रा तेलंगाना दोनों का अभी इंस्टीट्यूट है वो, आप अकेला कैसा डिसीजन ले सकते, इसलिए वो भी गलत तरीके से एक वन साइडेड डिसीजन करने का जो कोशिश कर वो भी गलत है। इसलिए जो प्रपोजल है प्रपोजल इमीडिएट विड्रॉ करना बोल के हमारी मुतालिबा है। आप सीपीआईएम से? एम श्रीनिवास, सीपीएम हैदराबाद सिटी से।